बच्चों एक बात बताओ, ये जो तुम लोग मुझे खाली सर सर कह के पुकारते हो, तुम्हें मेरा पूरा नाम मालूम भी है? हाँ सर, हमें आपका पूरा नाम क्या आपके पूरे खानदान का पता है। आप गंदी नाली के किनारे लगने वाली बदबूदार बस्ती में पैदा हुए थे। माँ आपकी कोठे पे नाचती थी और पिताजी आपके उसी कोठे पे हारमोनियम बजाते थे, है ना? क्या बात कर रहा है? हाँ, क्योंकि इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो पढ़ लिख के ये मास्टर बन गए और फिर आज हमें ये पढ़ा रहे हैं, है ना सर? अबे साले, ये क्या बकवास कर रहा है बे? मैंने पूछा कि तुझे मेरा नाम मालूम है तो बता। अरे सर, आपका नाम लेना मतलब सूरज को दिया दिखाना है। आप हैं हमारे परम आदरणीय, मेरा मतलब है कि परम आदरणीय भो श्रीमान गुप्तांग जी। अबे मैं गुप्ता हूँ गुप्ता। सर, आप कुत्ता भी होते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साले, गुप्ता को गुप्तांग बोलता है? तो गलत क्या बोला? आपके गुप्तांग में गुप्त रोग है कि नहीं बताइए। ये तुझे किसने बोला? अरे सर, आपके टट्टों जैसी शक्ल को देखकर कोई भी बता देगा कि आपको गुप्त रोग है। क्या प्रॉब्लम है, टेढ़ापन या शीघ्र पतन? सर, आप क्यों इस मुझोसे के मुंह लग रहे हो? आप पढ़ाई शुरू कीजिए ना। ठीक है बच्चों, आप फटाफट अपना निकालो और शुरू करो। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो सर? सुबह सुबह लगा रखे हो क्या? क्या तबीयत बिगड़ गई है? मुझे तो लगता है आज तल की कोपली खिसक गई है। अबे ऐसा मैंने क्या कह दिया रे रजुआ? सर, माना कि हमारा भी मन निकालने को करता है, लेकिन आप ऐसे सरेआम निकालने को क्यों कह रहे हो? अबे चपड़ गंजू भ्रष्ट बुद्धि, मैं किताब निकालने और पढ़ाई शुरू करने की बात कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई? मैं राजू, राजू दिख रहे, मैं पढ़े आ रही साला। आज तू क्या, तेरा भूत भी पढ़ेगा। बड़ा आया है डायलॉग बाजी करने। आज तो तल फूल मुद में लग रहे हैं। आज इनके मुंह मतलब मिले भाई। मैं भी आज देख ही लेता हूँ कि आज पढ़ाई कैसे होती है। पढ़ाई तो बेटा किताब खोलकर ही होगी। अगर थप्पड़ का असर कम हो गया है तो आज इसका भी उपयोग किया जाएगा। तल, ये क्या है? ये है दुख हरण, दुख मोचन, संकट हारी, कष्ट निवारक। जिसे पढ़ने से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होता है तो यह उसका सारा कष्ट क्षण भर में दूर कर देता है। डर गया, डंडे को देखते ही डर गया। डंडे से डर नहीं लगता है सर, पढ़ने से लगता है। ये डंडा चमत्कारी है, इसने टेढ़े टेढ़ों को सीधा कर दिया है। अच्छा, ऐसा है तो कुत्ते की दुम सीधी करके दिखा दो। कुत्ते की दुम सीधी हो या ना हो, लेकिन ये तुम्हें सीधा जरूर कर देगा। चल खड़ा हो जा। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चुपचाप खड़ा हो जा वरना। चल ये बता, पप्पू की माँ को तीन बेटे हैं। एक का नाम है चवन्नी, दूसरे का नाम है अठन्नी, तो तीसरे का नाम क्या होगा? सर, मुझे लगता है कि तीसरे बेटे का नाम जरूर सिक्का होगा। अबे नालायक, तुझे ये भी नहीं पता? ठीक है बबलू, तुम बताओ तीसरे बेटे का नाम क्या होगा? चल, तीसरे बेटे का नाम है पप्पू। शाबाश, सीखो कुछ, सीखो इससे। है बबलू, राजू के दोनों कान खींच कर एक थप्पड़ लगाओ जरा। तल, मुझे डर लग रहा है, अब मुझसे नहीं होगा। आज चमत्कारी डंडा है मेरे पास, आज डरने की जरूरत नहीं है। जल्दी से कान खींच कर लगाओ वरना तुम्ही को लगेगा। ठीक है ठीक है। अबे मारने को कहा है, उसे दुलार करने के लिए नहीं। जल्दी से मार, थप्पड़ की आवाज से पूरा कमरा गूंजना चाहिए। ये कैसे मार रहे हो, आवाज भी नहीं आ रही है। है राजू, तू बबलू को मार कर दिखा, इसे बड़ा दोस्त पर रहम आ रहा है।
ठीक है सर। ये तूने अत्ता नहीं किया मेरे भाई। अबे जब सर का आदेश हो तो कुछ भी बुरा नहीं होता। दोस्ती अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह। हाँ शाबाश, बैठ जा। ओए तू नहीं, तू खड़ा रह। तेरे से तो अभी पूछना बाकी है। चल जल्दी बता कि 80-90 पूरे कितने होते हैं। 80-90? 80-90 तो हाँ हाँ सर, 80-90 तो 100 होते हैं। 100? कैसे बे? आपने तो सुना ही होगा ना सर कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। शाबाश मेरे होनहार मिट्टी के शेर, क्या लॉजिक दिया है। 80-90 पूरे 100, यही सिखाया है मैंने तुमको क्लास में। अभी तेरी हड्डियां तोड़ता हूँ। आगे भैया। नहीं सर जी, छोड़ दो। अरे मर गया रे। अबे मैंने तो अभी मारा भी नहीं है और तू रोने लग गया। मुझे लगा कि आप मार रहे हो। मार तो बेटा अब लगेगी। अरे नहीं सर, माफ कर दो। अरे मर गया रे। अजब नौटंकी कर रहा है, डंडा लगने से पहले ही रोने लगता है। चल बैठ अपनी सीट पर। सर खाली मुझसे ही पूछोगे क्या? शीला से भी पूछ लो। हाँ हाँ सर पूछ लो, मैं इसके जैसे गवार थोड़ी हूँ, लफंगा कहीं का। गवार या लफंगा, पहले ये डिसाइड कर ले घेवड़ी। घेवड़ी जिसने कहा उसका सारा खानदान होगा घेवड़ी। तुझे कहा और किसे? तू घेवड़ी, तेरा पूरा खानदान घेवड़ी। अरे अरे शांत हो जा। अच्छा बताओ शीला बेटी, पक्षी उड़ता है आकाश में मगर रहता कहाँ है? सर अगर इसने जवाब नहीं दिया तो आप मुझे थप्पड़ मारने को कहना। ए रजुआ मुंह बंद कर अपना। सर मगर पानी में रहता है। शाबाश शीला बेटी शाबाश। अच्छा बेटा बबलू तुम बताओ, पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? ऐसा है तल कि मैं तो वहाँ था ही नहीं। मैं किसी के लड़ाई में नहीं पलता, इसलिए मुझे पता भी नहीं कि वो लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। शाबाश मेरे वीर शाबाश, यही सुनना बाकी रह गया था। बाहर आकर फटाफट कान पकड़ कर 100 बार उठक बैठक कर, नहीं तो ये डंडा देख रहा है, मार मार के पिछवाड़ा सुझा दूंगा तेरा। नहीं चल, मैं अभी उतक में तकलता हूँ। सर पहले तो आपके सवाल ने इसकी अंदर से फाड़ दी और अब बेचारे का उठक बैठक में बाहर से भी फट गया। ये तो कहीं का नहीं रहा। जा जाकर अपनी जगह पर बैठ जा और घर जाके अपनी फटी पैंट की सिलाई करवा लेना। कल ऐसे ही फटी पैंट पहन के मत आ जाना। लेकिन सर ये तो सरासर नाइंसाफी है, आप हम लोगों से जानबूझकर मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। अबे नालायक, तुझसे तो तेरे नाम के सिवा कुछ भी पूछूंगा तो वो भी मुश्किल ही लगेगा। अच्छा आप बड़े ज्ञानी हैं, तो मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? अबे जरूर दूंगा, डरता हूँ क्या? पूछ। ठीक है तो ये बताइए कि अगर आप टॉयलेट हगने गए हो तो हगने के बाद सबसे पहले हाथ धोइएगा या खाना खाइएगा? अबे पागल है क्या, पहले तो हाथ ही धोऊंगा ना, उसके बाद ही तो खाऊंगा पीऊंगा। सोच के बताइए सर। अबे इसमें सोचना क्या है, टॉयलेट करने के बाद सबसे पहले हाथ ही धोना होता है। अच्छा हाथ धोना होता है? टॉयलेट में हगने के बाद सबसे पहले हाथ धोगे तो कौन आपका बात धोएगा? ये तो पता नहीं इनको कि हगने के बाद पहले धोना है कि हाथ, और आए बड़ा ज्ञान पेल ने।